सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके, इसलिए आप जो करना चाहती हैं वो आज ही शुरू करें। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आज का पंचांग 17 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, रात्रि 3:41 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:18 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:38 से 10:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। वृषक राशि 17 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे बन रही है कि आपको सुधार करने एवं स्वस्थ होने का विशेष अवसर मिलने वाला है। आप भूतकाल में हुई अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे और सामने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। ऐसा करके आप अपने दिल से कोई बड़ी बोझ उतार पाएंगे। डेली रूटीन से सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है, इसलिए इन कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। उधार दिए हुए पैसों की वापसी भी संभव है। अकेलेपन की भावना दूर करने की कोशिश करें, मित्रों के साथ समय बिताने की कोशिश करें, तभी एक दूसरे के साथ बातचीत करके समस्याओं का हल ढूंढ पाना संभव होगा। परिवार के लोगों का साथ भले ही प्राप्त न हो, लेकिन आपके परिचित व्यक्ति और मित्रों से मिल रहा साथ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। आपसी विवादों को दूर करने का हल मिलेगा। कमर में जकड़न भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, खुद को व्यस्त रखें क्योंकि कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंध खराब हो सकती हैं, इसलिए अपने विचारों पर मनन करते रहें। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम संबंधों में आपके असंतुलित व्यवहार की वजह से भावनात्मक दूरियां आ सकती है। अपने व्यवहार में कोमलता बनाकर रखें। जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आप अपनी नौकरी और करियर के लिए अधिक से अधिक समय समर्पित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अनदेखी कर सकती हैं। आपके साथी को काफी हद तक यह समझ आ चुका है, लेकिन अब वह अधीरता के संकेत दे रहे हैं। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा यह काफी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस ओर अपना ध्यान दें, अन्यथा काफी देर हो चुकी होगी। बात करते हैं करियर की। काम का दबाव आप पर बढ़ेगा और आप उन चीजों से दूर हो सकते हैं जिनको करने में आपको आनंद आता था। आपको आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको जीवन की छोटी बातों से आनंद लेना होगा। ये बहुत ही संतोषजनक और आपके सामान्य प्रयास की तुलना में कम खर्चीला साबित होगा। इसका अर्थ यह है कि आज कुछ अनावश्यक खर्चों पर आप बचत कर पाएंगे। कारोबारी मामलों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने में परेशानी हो सकती है। किसी अनुभवी इंसान से विचार विमर्श करना उचित रहेगा। काम ज्यादा होने से आज सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को ओवरटाइम करना पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। सामर्थ्य से अधिक कार्य भार रहने की वजह से थकान और आलस जैसी स्थिति महसूस होगी। मेडिटेशन और योग पर अधिक ध्यान दें। आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफी थकान और आलस महसूस कर रहे हैं। आप आज ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेना चाहते जिससे आपको तनाव हो।
इसके बजाय आज आप बाहर निकलकर धूप या हवा खाना चाहते हैं। आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिए और कल सुबह तरोताजा उठने के लिए पर्याप्त नींद लें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी को तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।